नमस्कार, किचन शेफ मास्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बिना मशीन के जूस बनाएंगे और बहुत ही अच्छा जूस बनकर तैयार होगा और इनके बहुत सारे फायदे हैं, वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। आज हम बिना मशीन के बहुत ही आसानी से मूली का जूस निकालेंगे। दोस्तों, कि आप सभी जानते हैं कि ये मूली है और इसके बहुत सारे फायदे हैं। बहुत सारे लोग इसे सलाद के रूप में खाते हैं, कुछ लोग इसे सब्जियों में डालकर खाते हैं और कुछ लोग इसका जूस पीना भी पसंद करते हैं। तो चलिए आज हम इसका जूस निकालते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, इससे बहुत आसानी से जूस निकल जाता है। इस तरह से इसे डंठल और इसे काट लेंगे और ये ग्रेटर है, इससे हम इसे ग्रेट करेंगे। देखिए कितनी जल्दी ये ग्रेट हो जा रही है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं है। देख लीजिए इतना हो भी गया। देखिए हमने आधी मूली कर ली है और इनके अनेकों फायदे हैं दोस्तों। ये जूस पीने वाले के किडनी में पत्थर नहीं होता है, अगर रहता है तो छोटे छोटे टुकड़ों में बाहर आ जाता है, उसे कब्ज की शिकायत नहीं रहती, चेहरे पर चमक आते हैं, वेट लॉस होता है। इनके अनेकों फायदे हैं। इस तरह से आप अभी मूली सस्ती है, इस तरह से डेली जूस निकाल कर एक कप पी सकते हैं, ये टेस्टी लगेगी। अभी हम देखिए इस मूली को कैसे टेस्टी बनाते हैं इनके जूस को। तो देखिए दोस्तों, हम सारे मूली को ग्रेट कर लिए हैं और एक बर्तन लिए हैं, इस तरह का बर्तन लें, और एक साफ रुमाल लिए हैं हम, और इसमें इस तरह से इसे हम डाल देंगे। और देखिए ये कैसे जूस निकलता है, आप देख सकते हैं, तो हम नज़दीक से दिखा रहे हैं। देखिए कितने ज़्यादा जूस निकल गए हमारे, ये दो मूली के इतने सारे जूस निकाले हैं हम, और इसके बहुत सारे फायदे हैं। अभी ये पूरी तरह नहीं बने हैं, अभी ये हम इसमें और भी बहुत चीज़ मिलाएंगे जिससे ये टेस्टी लगेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने दो मूली से बहुत ही आसान तरीके से एक गिलास जूस बना लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी काला नमक, और थोड़ा सा टुकड़ा नींबू का, तो ये जूस मेरा बनकर तैयार है। इसे बनाने में कोई भी मेहनत नहीं है, आप जब चाहे बना सकते हैं, पी सकते हैं, बच्चे को पिला सकते हैं, इसे आप जरूर ट्राई करें। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।